राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव खास भी है, क्योंकि अगला सीएम कांग्रेस से कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सीएम कुर्सी की रेस जारी है। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट को आशीर्वाद दिया है कि वे अगले सीएम बनेंगे। सचिन पायलट जी ने आज श्री कल्कि धाम के निर्माण का जो ये उद्घोष किया है, मैं सभी संतों से चाहूंगा कि हाथ खड़े करके परमात्मा से प्रार्थना करके उनको शुभाशीष दें कि जब वो अगली बार आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर आए। वहीं बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बोला जाता है तो शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के प्रति यहाँ पर लगातार अपराध बढ़ रहा है। एक दिन में 17 महिलाओं के साथ रेप अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं और जिस राज्य में 5 साल में 10 लाख मुकदमे दर्ज हो गए, 2 लाख तो महिलाओं से जुड़े हुए आपराधिक मामले, 30,000 दुष्कर्म के मामले, तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता दिखती है। छवि जिस राज्य की बिल्कुल अलग थी 5 वर्षों में कहां पहुंच गए, वो बहुत चिंताजनक है। और भय भ्रम भ्रष्टाचार का प्राय अगर मैं कहूं तो राजस्थान बन गया। बता दें, राजस्थान कांग्रेस में समय समय पर अंदरूनी कलह की खबरें सामने आती रहती हैं। गहलोत और पायलट के बीच आपसी झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान लगातार दोनों से बातचीत करता रहता है, तो अब बीजेपी में भी आंतरिक कलह देखने को मिल रही है।